दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्रोएशिया के वीजा से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी हां दोस्तों, ठीक माल्टा की तरह क्रोएशिया के वीजा प्रोसेसिंग में भी बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, लेकिन अब आपके लिए है एक बहुत अच्छी खुशखबरी। तो इसीलिए अगर आप भी जानना चाहते हैं कि भैया क्या अपडेट आई है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा अच्छी खासी खुशखबरी के बारे में। जिन लोगों ने बहुत दिनों से वीजा एप्लीकेशन डाल रखे थे क्रोएशिया के लिए और उनके वीजा स्टैंपिंग होकर के उनका पासपोर्ट उनके घर तक नहीं पहुंच रहा था, उन लोगों को अब चिंता करने की जरूरत है नहीं दोस्तों, क्योंकि अब कुछ ही दिनों में आपका वीजा और आपका पासपोर्ट आपके घर कुरियर किया जा सकता है। कुछ दिन पहले ही VFS का एक नोटिफिकेशन आया था कि हो सकता है क्रोएशिया के वीजा आने में थोड़ा डिले होगा। जो काम एक महीने में हुआ करता था, जो वीजा आपको एक महीने में मिल जाया करता था क्रोएशिया का, उसको 2 से 3 महीने लगने लगे और इसके चक्कर में एम्प्लॉयर परेशान, वर्कर परेशान। लेकिन दोस्तों अब फाइनली आपके लिए खुशखबरी ये है कि अब वीजा स्टैंपिंग चालू हो गई है क्रोएशिया की, और आपको भी कुछ दिनों में, अगर आपने अप्लाई कर रखा है वीजा के लिए ऑलरेडी, तो आपको भी कुछ दिनों में भैया आपका वीजा मिलने वाला है। तो मैं बस आपको इतना ही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने ईमेल आईडीज, अपने फोन नंबर्स को सबको चेक करते रहिए, जहां भी आपको नोटिफिकेशन आ सकते हैं। अपने कुरियर बॉक्स जो घर के बाहर आप लगा के रखते हैं, जहां पर आपका मेल वगैरह आता है, जहां पर आपको ईमेल आईडी पैकेजेस वगैरह आते हैं, वो जाकर के चेक करते रहिए भैया कि पता नहीं कब आपका क्रोएशिया का वीजा आपके पास आ जाए और आपको भी क्रोएशिया जाने का मौका मिल जाए। दोस्तों आपको तो पता ही है कि माल्टा की वीजा प्रोसेसिंग में भी बहुत ज्यादा डिले हो रहा था, लेकिन आइडेंटिटी माल्टा ने अभी एक मतलब खुशखबरी निकाली है कि भैया अब वीजा प्रोसेसिंग में टाइम नहीं लगेगा। उसी तरह अब जो लोग क्रोएशिया के लिए अप्लाई करना चाहते थे वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी VFS में स्लॉट्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं वीजा अप्लाई करने के लिए, वीजा अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन कुछ दिनों में यह भी होने वाला है दोस्तों, VFS में स्लॉट बुकिंग भी चालू होने वाली है। जैसे ही VFS का स्लॉट बुकिंग चालू हो जाता है, वैसे ही मैं आपके पास एक नई वीडियो लेकर आऊंगा, आपको अपडेट दूंगा, आपको खुशखबरी सुनाऊंगा। लेकिन मैं उनके लिए वीडियो लेकर आया था जिन लोगों ने ऑलरेडी वीजा के लिए अप्लाई कर रखा है क्रोएशिया के लिए, उनका वीजा कभी भी आ सकता है। इसीलिए अगर आप भी क्रोएशिया के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप भी अप्लाई करना चालू कर दीजिए, क्योंकि वीजा प्रोसेसिंग हो रही है फटाफट। अब वीजा प्रोसेसिंग चालू हो चुकी है, इसी सैटरडे संडे से चालू चुके वीजा प्रोसेसिंग, तो आप भी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और जहां तक वीजा के स्लॉट की बात रही, अपॉइंटमेंट की बात रही, VFS में कुछ दिन में वो भी होने वाला है, आपको फिर स्लॉट्स भी मिलेंगे और फिर आप भी वीजा के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो दोस्तों अगर आप भी क्रोएशिया में जॉब सर्च कर रहे हैं या फिर जॉब सर्च करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब पोर्टल्स को चेकआउट कीजिए और वहां पर जाकर के अपने रिक्वायरमेंट्स, अपने स्किल्स, एक्सपीरियंस के हिसाब से जॉब सर्च कीजिए और फिर उन जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि क्रोएशिया एक बहुत अच्छी कंट्री है, हाई इनकम कंट्रीज में से एक है, यूरोप में बहुत पैसा देती है भैया क्रोएशिया अगर आप वहां काम करने जाते हैं। तो जल्दी से जॉब्स के लिए सर्च कीजिए और जॉब्स के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं क्रोएशिया में, तो बनवा लीजिए जल्दी से एक यूरोपियन स्टैंडर्ड का CV और कवर लेटर। अगर नहीं बनवाना चाहते हमसे तो किसी और से बनवा लीजिए, खुद से बना लीजिए अगर आप खुद से बना सकते हैं, क्योंकि दोस्तों क्रोएशिया के या फिर किसी और कंट्री के जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए होगा एक इंटरनेशनल फॉर्मेट का CV और कवर लेटर। अगर आपके पास है तो जल्दी से अप्लाई करो, क्योंकि वीजा प्रोसेसिंग चालू हो गई है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अगर नहीं है तो हमसे जल्दी से कॉन्टैक्ट करो, हम आपके लिए आपका एक CV और कवर लेटर बना के देंगे यूरोपास। तो दोस्तों हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कीजिए, साथ ही आप हमें मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, DM कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, हमारे फॉलो कर सकते हैं। आप कहीं भी जाइए, आप हमें कहीं भी फॉलो कीजिए, हम आपकी सर्विस के लिए 24/7 अवेलेबल हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप रिक्रूटमेंट एजेंसी या कंसल्टेंसी की हेल्प लेना चाहते हैं किसी और कंट्री में माइग्रेट करने के लिए, बहुत से लोग हमें पूछते हैं कि सर आप हमारे लिए अप्लाई कर देंगे क्या, दोस्तों मैं आपको बस यही सजेस्ट करूंगा कि जो इस काम में प्रोफेशनल है आप उनकी हेल्प लें। अगर आप रिक्रूटमेंट एजेंसीज या फिर कंसल्टेंसीज का हेल्प लेना चाहते हैं और उनके बारे में जानना चाहते हैं, अच्छी अच्छी कंसल्टेंसीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जल्दी से जाइए हमारे अल्टरनेट चैनल पब्लिक इंजन 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि वहां पर मिलेगी दोस्तों आपको हर दिन एक नई एजेंसी के बारे में एक नई डिटेल। तो जल्दी से उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।